स्टडी लेस स्कोर मोर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो दिन रात पढ़ना होगा, पर कोई ये नहीं बताता कि आखिर पढ़ना कैसे है, स्टडी करने का सही तरीका क्या है जिससे कम टाइम पढ़ के भी सब याद रहे। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि हर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट दिन के 10-12 घंटे पढ़ता होगा तो तुम गलत हो। मैं आपको ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप अपना 10 घंटों का काम सिर्फ 3 घंटों में निपटा सकते हो। प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक हाउ टू बिकम स्ट्रेट ए स्टूडेंट में लिखते हैं कि 99% स्टूडेंट्स का स्टडी करने का तरीका बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से दिन रात पढ़ के भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एंजॉय करते करते बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ टॉप कर जाते हैं। आज हम इन्हीं टॉपर्स के सीक्रेट स्टडी मेथड्स, उनकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड कैसे वो प्रोक्रास्टिनेशन को हैंडल करते हैं, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इंटरलिंक्ड हैं। अगर आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सो वीडियो कम्प्लीट देखना। लेट्स बिगिन। बिना किसी स्ट्रेटजी के आप कुछ भी करोगे वहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को वहम है कि मेरे पास ज्यादा बुक्स हैं, ज्यादा नोट्स हैं, मेरी तैयारी अच्छी होगी। नहीं, जरूरी नहीं है। जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपना सारा काम पूरा कर सकें। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, होमवर्क, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम टाइम नहीं है, टाइम तो सबके पास सेम है, आप अपने टाइम को कैसे यूज करते हो वो है। दिन के 10-12 घंटे पढ़ के शायद तुम अपना काम पूरा कर लो, बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ये होती है स्यूडो वर्किंग। मतलब इतना ज्यादा टाइम पढ़ के भी कुछ अचीव नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम कंटिन्यूस पढ़ोगे तो ये इंजॉयबल नहीं है। और दूसरा, इतना टाइम हम फोकस नहीं कर पाते। इसका सोल्यूशन है कंप्रेस योर वर्क इनटू फोकस्ड चंक्स। इसके लिए बेसिक टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और प्रोक्रास्टिनेशन से फाइट करना आना चाहिए। दोनों चीजें आगे डिटेल में बताऊंगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कितना वर्क अकम्प्लिश करेंगे वो टाइम स्पेंट और इंटेंसिटी ऑफ फोकस पर डिपेंड करता है। मींस अगर फोकस इंक्रीज हो जाए तो कम टाइम में भी ज्यादा चीजें अकम्प्लिश हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटेंसिटी ऑफ फोकस 1 से 10 की रेंज में रखें और एक टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए 10 घंटे चाहिए, अगर आप उसकी तैयारी करते हो विद इंटेंसिटी ऑफ फोकस 3, सेम काम आप 3 घंटों में कर सकते हो अगर इंटेंसिटी ऑफ फोकस 10 हो जाए। नाउ इंटेंसिटी ऑफ फोकस इंक्रीज करने के लिए स्टडी करने की लोकेशन, टाइम और ड्यूरेशन, ये तीनों चीजें बेस्ट होनी चाहिए। नाउ वी हैव 3 प्रॉब्लम्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन से। मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, एक कैलेंडर और एक लिस्ट। कैलेंडर आपका कुछ ऐसा होगा जिसमें एक साइड आपका दिन का शेड्यूल और दूसरी साइड जो चीजें याद रखनी है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आज नहीं करनी लेकिन कभी फ्री टाइम में स्टार्ट करने का प्लान हो, मींस लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर कोई हॉबी। एवरी मॉर्निंग आपको 5 मिनट में अपनी सभी टू डूज डेडलाइंस के साथ कैलेंडर पर रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, पूरे दिन में जो भी करना है वो सुबह उठते ही प्लान कर लो, ताकि बाद में सोचना ना पड़े आज क्या क्या करना है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बी रियलिस्टिक। 2 घंटों में आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, तो रियलिस्टिक टारगेट्स ही रखना जो कंप्लीट हो सके। इसके बाद दूसरी चीज आपको चाहिए लिस्ट, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए। छोटा सा पेपर का टुकड़ा ले लेना और पूरे दिन में जो भी असाइनमेंट्स, टेस्ट, होमवर्क टीचर बताते हैं या फिर आपके ब्रेन में कोई काम आता है वो सब कुछ इस पर लिखते जाना। नाउ ये लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, पूरे दिन में जो भी टास्क आपने लिखे उनको नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन की टू डू लिस्ट में एड ऑन करने के लिए। सेकंड, सभी न्यू टास्क जब आप लिस्ट पे लिख दोगे तो माइंड इमीडिएटली फ्री हो जाएगा। अगर सभी चीजें ब्रेन में चलती रहेंगी तो उससे एनर्जी ड्रेन होगी और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाओगे। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रीस्टार्टिंग आफ्टर ए पीरियड ऑफ निगलेक्ट। हम लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, इस सिस्टम को फॉलो करते करते बीच में ब्रेकडाउन आएगा, तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं ही फेलियर हूँ, मुझसे ही ये फॉलो नहीं हो पा रहा, इट्स नॉर्मल। आपको फिर से रीस्टार्ट करना होगा। अगर आप अपने टास्क हफ्ते में 5 दिन भी कंप्लीट कर लेते हो तो आप उतने प्रोडक्टिव हो जितना एक स्टूडेंट को होना चाहिए। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, आप इस सिस्टम को फॉलो क्यों करोगे, इसके फायदे क्या हैं? फर्स्ट, दिन में जो भी करना है सब याद रहता है। मैं अपनी खुद की एग्जांपल देता हूं। जब मुझे पता नहीं होता दिन में क्या क्या करना है तो ऑटोमेटिकली मैं अपने फोन पे टाइम वेस्ट करने लग जाता हूँ। इस सिस्टम के साथ मेरा दिन पहले से ही प्लान्ड होगा और मुझे पता होगा किस टाइम क्या चीज करनी है। सेकंड, लॉन्ग टर्म गोल्स भी शेड्यूल होंगे और वो भी याद रहेंगे। थर्ड, जब टाइम वेस्ट बंद हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये था टाइम मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, बट 99% लोग प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे खत्म करें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन। सो व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन? प्रोक्रास्टिनेशन होता है अपने इंपॉर्टेंट काम को टालते रहना और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में टाइम वेस्ट करना, जैसे पूरा दिन इंस्टा और यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहना। प्रोक्रास्टिनेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट लिमिट जरूर कर सकते हैं। मैं आपको 4 बैटल प्लान्स बताऊंगा जो प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने में हेल्पफुल होंगे।
फर्स्ट, कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। 21st सेंचुरी के टेक्नोलॉजी से भरे इस एरा में आपके गैजेट्स ही आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो स्टडी टाइम आपके पास मोबाइल, टीवी जैसी चीजें कुछ नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करना अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही फोन उठाना। अगर पहले देखोगे तो डोपामिन लेवल स्पाइक कर जाएंगे और फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। बैटल प्लान 2, कीप अ वर्क प्रोग्रेस जर्नल। ईगो बहुत पावरफुल चीज है, हम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और मानते भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एक्सक्यूज हमेशा होता है। इसलिए आपको वर्क प्रोग्रेस जर्नल बनाना है। एक सस्ती सी स्पाइरल नोटबुक ले लेना और सुबह शेड्यूल बनाते टाइम इस पे भी डेट के साथ उस दिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क लिख लेना। एट द एंड ऑफ द डे अगर टास्क कम्प्लीट हो गया तो कम्प्लीटेड लिख देना, और अगर नहीं हुआ तो रीजन लिखो, आखिर क्यों नहीं किया कम्प्लीट। अपने सिली एक्सक्यूज को जब रोज रोज लिखोगे तो तुम्हें उसकी फुलिशनेस दिखेगी और फील होगा तुम लेजी हो। अब ईगो को ये बात पसंद नहीं आई, तो अगले दिन आपको टास्क कंप्लीट करने का मोटिवेशन मिलेगा ताकि ये चीज अवॉइड हो सके। इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अपने फ्रेंड के साथ सिस्टम यूज करो। एक दूसरे का जर्नल हर हफ्ते रिव्यू करो। कोई नहीं चाहेगा उसका फ्रेंड उसके सिली एक्सक्यूज देखे, इसलिए टास्क कंप्लीट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बैटल प्लान 3, फीड द मशीन। लो एनर्जी प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है, तो ब्रेन और बॉडी की एनर्जी बनाए रखने के लिए 4 चीजों को फॉलो कर लेना। फर्स्ट, ड्रिंक वाटर कॉन्स्टेंटली, बिकॉज हाइड्रेशन इंक्रीजेज योर एनर्जी, और पानी पीने से नींद आनी भी कम हो जाती है। वैसे भी बार बार बाथरूम की ट्रिप्स आपको सोने तो देंगी नहीं। सेकंड, मॉनिटर योर कैफीन इनटेक। इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट के लिए चाय कॉफी पी सकते हो, बट लिमिटेड अमाउंट में। अगर कैफीन वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करोगे तो फॉर द मोमेंट आपको एनर्जी बूस्ट मिलेगा, लेकिन बाद में उतना ही लेजी फील करोगे। थर्ड, ट्रीट फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट सेटिस्फेक्शन, इसलिए प्रोसेस्ड फूड एंड अनहेल्दी खाना अवॉइड करना है। ट्रीट योर बॉडी लाइक अ मशीन, अगर सही फ्यूल डालोगे तभी तो इंजन सही काम करेगा। फोर्थ, नेवर स्किप मील्स, खाना नहीं खाओगे तो भूख लगेगी, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स लो होंगे और साथ ही साथ कंसंट्रेशन और फोकस भी। बैटल प्लान 4, बिल्ड ए रूटीन। आपके हर एक दिन का शेड्यूल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप हर रोज सेम टाइम पर करो। जैसे अगर 8 o'clock स्कूल है तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज और छोटा सा स्टडी स्लॉट फिक्स कर सकते हो, इससे चीजें हैबिट में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपके टास्क कंप्लीट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉब्लम, कब, कहां और कितना टाइम पढ़ना चाहिए, जैसे इंटेंसिटी ऑफ फोकस इंक्रीज हो जाए और कम टाइम में भी ज्यादा स्टडी हो सके। तो व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, आंसर इज मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम फोकस एंड कंसंट्रेशन सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम मॉर्निंग में ही खत्म करना है, और ट्राई करना रात तक उसे कभी मत छोड़ो, बिकॉज रात को नींद की वजह से कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाती है। इससे अच्छा दिन के टाइम ही जितना भी फ्री टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज करो। नेक्स्ट इज वेयर शुड यू स्टडी, इन आइसोलेशन, जहाँ आपके अलावा कोई इंसान और गैजेट ना हो। एनवायरनमेंट स्टडी वाला होना चाहिए, बेड पे लेट के कभी भी प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होती। लास्ट, हाउ लॉन्ग शुड यू स्टडी, एनर्जी और रिटेंशन को मैक्सिमाइज करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक सबसे बेस्ट है। 25 मिनट्स की स्टडी के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, एंड अकॉर्डिंग टू साइंस रिसर्च 50 मिनट्स कंटिन्यू स्टडी बेस्ट है। पॉइंट इज, थोड़ा टाइम पढ़ के ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट वीडियो की समरी देख लेते हैं। फर्स्ट, मैनेज योर टाइम 5 मिनट्स अ डे। सेकंड, डिक्लेयर वॉर ऑन प्रोक्रास्टिनेशन विद दीज 4 बैटल प्लान्स। थर्ड, व्हेन, वेयर एंड हाउ लॉन्ग शुड यू स्टडी, सुबह जल्दी, आइसोलेशन में, और मैक्सिमम 50 मिनट्स कंटिन्यू स्टडी करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना ताकि YouTube एल्गोरिथम आपको ऐसी वीडियोस रिकमेंड करता रहे। और हां, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।